चंदौली में मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में चार लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंचे सीओ सकलडीहा ने घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल थानापुर थाना क्षेत्र के थानापुर कस्बे स्थित बौरहवा बाबा के पास सोमवार को शाम 6 बजे गोली चलने से चार युवक घायल हो गए। दिन दहाड़े बीच बाजार में गोली चलने से जहां सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत बनी हुई है। बताया जाता है कि क्षेत्र के बूढ़ेपुर गांव में दोपहर को सैलून में दाढ़ी बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें हवाई फायरिंग भी हुई। घटना के बाद जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार चल ही रहा था कि राजन सिंह ने दम तोड़ दिया। राजन की मौत से परिजन आक्रोशित हो गए और जिला अस्पताल के सामने नेशनल हाईवे 2 जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के कड़े रुख को देखते हुए परिजन शांत हो गए। फिलहाल परिजनों ने आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। भैया, बूढ़ेपुर के यादव परिवार जितने भी हैं, पहलवान यादव और उनके परिवार, पहलवान यादव प्रधान हैं, इन ये लोग इनका इन लोगों का इतना मन भंसा हुआ है कि ये रानेपुर गांव में घुस के चार लोगों पे इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, प्लस गोजी से मार किया। गोजी डंडा और गोली लेकर ये लोग चले थे मार करने के लिए। इन लोगों ने घर में घुस के गोली मारी, जिसमें हमारे मित्र राजन की मृत्यु हो गई और बाकी तीन लोग जो है वो बनारस अस्पताल में भर्ती हैं। और हम प्रशासन देखिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन से हम लोगों ने अभी मांग किया कि तुरंत गिरफ्तारी की। देखिए प्रशासन बहुत लूज है। हम लोगों ने अमूमन देखिए जो होता है, हम लोग पीड़ित परिवार हैं, हम लोगों ने मांग किया कि तुरंत गिरफ्तारी हो जो अपराधी है, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या विवाद था, क्या पहले से कुछ ऐसा? कुछ भी विवाद नहीं था सर। ये मन बढ़े लोग हैं, ये साल भर पहले भी इनकी घटना हो चुकी है। जिनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो साल भर पहले का भी इनका रिकॉर्ड खुलेगा, लेकिन अब वो बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग तत्काल में देखिए अपराधी किस्म के व्यक्ति ये लोग हैं। ये लोग मन बढ़े हैं, पहलवान यादव प्रधान है, मन बढ़े हैं लोग। ये लोग गोली लेकर ये लोग मारे, जिसमें हमारे मित्र राजन की मृत्यु हो गई। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रशासन हम लोग को न्याय दिलाए, बस हम लोग की और कोई मांग नहीं, प्रशासन न्याय दिलाए बस। सर, वहाँ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और कोई झगड़ा नहीं था, और लोग थोड़ा दबंग टाइप के थे और ग्राम प्रधान भी थे। बगल में बूढ़ेपुर के ठीक बगल में रायपुर गांव है, और भुट्टन यादव और पहलवान यादव और इनके घर के लड़के सब वहां आके घर में घुस के गोली चलाए और गोली मार दी भी दिए। सर, एक लोग तो यहां एक्सपायर हो गए हैं जिला अस्पताल में, देख ही रहे आप। एक लोग जिला अस्पताल में एक्सपायर हो गए हैं और तीन लोग एडमिट है ट्रामा सेंटर में, 2 लोग हॉस्पिटल में बनारस। क्या पहले कोई विवाद विवाद था क्या? सर, कोई मामूली विवाद था, कोई विवाद नहीं था, न उनसे कोई रंजिश था न कुछ था, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मनबर टाइप के लोग हैं और बहुत पहले से हैं। धानापुर थाना क्षेत्र में बूढ़ेपुर गांव में गोपाल सिंह और धोबियों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसको लेकर के विशाल सिंह यादव और उसके पिताजी और इसके घर के करीब करीब 10-12 लड़के इकट्ठा होकर के आज चौराहे पे आए, मारपीट किए। उसी मारपीट में दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें से एक करीब 4 लोग घायल हो गए, एक राहगीर घायल हो गया, 3 लोग और घायल हुए हैं, 2 को जिला अस्पताल भेजा गया है, 2 ट्रामा सेंटर गए हुए हैं।